राधे कृष्ण गोविंद, या को नाम ही मोचित भव बंधन। वो तो ही परम आनंद। ए शुक शंकर सनक सनातन। तो इसके पहले वाला प्यार हो गया था। अंत नहीं पायो ये अनंत, या को नाम ही त्रिभुवन मंगल, अहर्निशी जपत ही संत। या को नाम ही सुरासुर नरवर, मुनिगण करत ध्यान। या को नाम रौत नारद सदा, भुवन फिरत कर गान। वेद ही या को यश गुण गावत, करत ही नाम की आस। नाम पापी जन वंचित रोहिणी नंदन दास। तो ये रोहिणी नंदन दास एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत सारे भक्तों के जीवन में, कि हर एक भक्त अपने को योग्य नहीं समझता है, किसी भी चीज के योग्य नहीं समझता है, कभी भी अभिमान हृदय में आता ही नहीं है, कभी भी हृदय में अभिमान आता ही नहीं, और ईगो टसल नहीं होता भक्त का कि 4 महीने से 6 महीने से कट्टी चल रही है। हाँ नहीं, हम उन्हें नहीं देखेंगे, वो उन्हें नहीं देखेंगे। एक कोई पुष्पा एक मूवी है, उसमें डायलॉग है ना, कोई मुझे बच्चे बताते हैं, मैं झुकेगा नहीं। ये उसका ऐसा ईगो टसल नहीं है, बहुत दिन तक ईगो का उसका टसल नहीं चलता है। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है, ये त्रिभुवन मंगल है, सारे त्रिभुवन में सबसे मंगल करने वाला है। और सब लोग इस नाम का ध्यान करते हैं, नारद मुनि भी इसी नाम को लेकर के पूरे भुवन में फिरते रहते हैं। वेद ही या को यश गुण गावत, और वेद भी इसका गुणगान गाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ओंकार सतनाम, या फिर जो जीसस क्राइस्ट उसमें भी कहते हैं हैलोड बी दाई नेम, क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं। अब वेदों में अलग अलग स्थानों पर अगर पढ़ा जाए तो वेदों में बहुत सारे स्थानों पर हरि नाम की महिमा बोली गई है। कहाँ कहाँ इसके बारे में बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम में और बाकी ग्रंथों में तो है ही, भगवद गीता इत्यादि में इसका उल्लेख तो है ही, श्रीमद् भागवतम और अलग अलग पुराणों में भी इनका उल्लेख। कि किस प्रकार से हरि नाम जो है ये सबसे पावन है, सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध है और सारी चीजों को शुद्ध करने वाला है।
गावत ही वेद, गावत ही इसमें लिखा हुआ है, गावत ही वेद याको नाम ही त्रिभुवन भुवन मंगल, अंत नाहीं पायो ये अनंत, स्वयं भगवान संकर्षण अनंत भी इसका जो पार नहीं पा सके कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। और सारे संत मुनि हमेशा इस नाम का जाप करते हैं, सारे लोग इस नाम का ध्यान करते हैं, और वेद ही याको यश गुण गावत, करत ही नाम की आश, ताको नाम ही पापी जन वंचित, रोहिणी नंदन दास। तो रोहिणी नंदन दास कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान के नाम से मैं वंचित रह गया। वेद भी जिसका गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे आप देखेंगे तो वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम इत्यादि में तो है ही है, वेद ग्रंथ सब जगह पर भी इसका चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से भगवान का नाम जो है ये परम शक्तिशाली है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था जिसने बहुत पाप किया था, केवल एक पुण्य किया था, एक अच्छा काम किया था कि उसने एक बार भगवान का नाम ले लिया था। तो बहुत पाप किया था, तो यमराज के पास मैटर पहुंचा, तो महाराज यमराज ने कहा कि इसके खाते में केवल एक ही चीज है भगवान का, एक नाम इसने लिया है। तो सारे यमदूत लेके आए और बोला कि एक नाम लेने का क्या फल है बताइए। तो यमराज ने कहा कि मुझे भी कितना फल है इसके बारे में पता नहीं है, चलो शिव जी के पास चलते। शिव जी के पास भी ले गए, उनको भी पता नहीं था, अब चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तब भी पता नहीं चल पाया। तीनों लोग गए भगवान कृष्ण के पास और बताया कि जो लोग आपका, भगवान विष्णु के पास गए ये लोग, और तो फिर उन्होंने कहा कि जो लोग आपका नाम लेते हैं, एक बार आपका नाम लिए हैं, उसका क्या फल होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब इससे ज्यादा क्या फल चाहिए आपको, एक बार ही उसने नाम लिया है भगवान मेरा, लेकिन उसको वैकुंठ तक आप लेके आ गए। तो अब इतना, और इसका क्या महिमा और बताएं। तो फिर उसको छोड़ करके वहीं पे ले चले जाते हैं। एक ऐसी घटना जो कि कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है। तो इसकी अलग अलग उपनिषदों में, इसका कलिसंत्रण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद इत्यादि में इसका वर्णन आता है। ठीक है, तो मेनली यही है कि भगवान के नाम को जिसको नारद मुनि लेते हैं, मुनि लोग ध्यान करते हैं, और सारे भुवन में ये मंगल है, और मैं पापी ऐसा रहा कि मैं इस हरि नाम से वंचित रह गया। दिन भर माला तो करता हूं, लेकिन बस ऐसे ही मशीन से जैसे होती है ना माला, वैसे हो जाता। नाम अक्षर होए नाम नहीं हो, ठीक है। यही आज ये इस यहाँ पर हरिनाम के बारे में ही यहाँ पर बता रहे हैं। इतना ही आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, भगवान के नाम के बारे में बताया गया। आज हमारे पास काफी समय है, और क्या आप लोग बहुत सारा सुन चुके हैं, तो आज मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा, या फिर आप प्रश्न, अगर किसी का आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो मैं प्रश्न करूँ। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। जैसे कल या मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो उसमें आप चार संप्रदाय का बता रहे थे कि अगर उसमें से अगर ये आचार्य नहीं है तो वो संप्रदाय मतलब प्रामाणिक नहीं है। लेकिन प्रभु जी, जो अब जैसे पुष्टि मार्ग ही है, पुष्टि मार्ग और वल्लभाचार्य संप्रदाय है, राधा वल्लभ जी और कई सारे और भी देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे हैं? जैसे मान लो कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है,
और इंजीनियरिंग ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज हैं, बस उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है मिलती, तो उसको कहा जाएगा कॉलेज है लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसी तरह से संप्रदाय का मतलब है ग्रेजुअली थ्रू दिस प्रोसेस एक जीव भगवत धाम चला जाता है, जैसे गणपत्य संप्रदाय है या शाक्त संप्रदाय है। गणपत्य संप्रदाय करके 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 फिर भगवत धाम नहीं जा पाता कोई, बस गणेश जी के अच्छे उपासक बन जाते हैं, बस इतना ही रहता है। बाकी जो लोग वैष्णव के जैसे प्रतीत होते हैं वो इन्हीं संप्रदायों के किसी गुरु के टूटे हुए लोग होते हैं, जैसे कि आजकल एक बाबा जी बहुत फेमस है, पीले कपड़ों में रहते हैं, है ना, तो उन्होंने वो हमारे ही संप्रदाय के गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य जो हित हरिवंश है उनके लीनियज में ये आते हैं, लेकिन उसका जो स्टाइल उन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया, तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको डांटा, कहा कि आप इस तरह से साड़ी पहन के, घूंघट लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, इस तरह से लड़कों को इस तरह से करके एक सामाजिक विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की बात उन्होंने नहीं मानी, एकादशी इत्यादि का व्रत छोड़ दिया, पान खाने लगे और कहा कि गोलोक में तो ये सब नहीं होता, गोलोक में तो ये सब कह करके उन्होंने मना किया। तो उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, तो ये जो फॉलोअर्स हैं ये सब भी इसी मतलब आते हैं, तो पर इसमें कोई सुकृति तो रहेगी ही, वो जरूर आगे चल के प्रामाणिक वैष्णव दीक्षा प्राप्त करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो अवयव वो सिखा रहे हैं जैसे कि राधा रानी का नाम लेना या फिर कोई, अगर उसमें वो एब्जॉर्प्शन प्राप्त करता है तो नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि हरि नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वो अगर कोई पूर्ण एब्जॉर्प्शन से एकदम सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो नाम इतना शक्तिशाली है कि वो कोई संप्रदाय का आश्रय नहीं भी हो तब भी वो उसको भगवत धाम ले जा सकता है। यस इसलिए यस अगर अगर कोई मान लो इस तरह से करता भी है तो उसमें उनकी आलोचना करने का हमको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑनररी डिग्री मिलेगी, तो उनके गुरु ने उनको बोला कि क्योंकि तुम अवतार हो भगवान की वंशी का या कुछ ऐसे बोला, इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो कि साड़ी पहनना, फिर अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी कोई दो माताओं को रख लेना अपने पास, तो ये सब वो कर सकते हैं क्योंकि वो उस इस देह के स्तर पे नहीं है। लेकिन उनको जो फॉलोअर्स हैं वो अगर उस तरह से रखेंगे तो वो ठीक नहीं, तो इसीलिए ये चीज को। और इस्कॉन में हम इतना फेथफुल इसलिए भी होते हैं क्योंकि इस्कॉन में आपको एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर मिलता है ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का। ठीक है, थैंक यू सो दीक्षित, मच थैंक प्रभु। प्रभु यू। मंदिर तो कहाँ हो आप अभी? जी, मैं मंदिर के अंदर ही था, वो बस अभी थोड़ा सेवा खत्म हुआ था तो बाहर जप करने आ गया था। यस अच्छा, ठीक है, वही पुजारी सेवा चल रहा आपका, है ना। प्रभु जी, बस। चलो इधर आओ दिल्ली विल्ली एक बार, तो फिर मिलते हैं। हाँ प्रभु जी, मार्च में मैं आऊंगा प्रभु जी, गौर पूर्णिमा पे मायापुर, तब मैं दिल्ली ठीक, आऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस, कोई और प्रश्न है? राधिका माता जी हैं, राधिका माता जी, कोई प्रश्न तो नहीं आपका? हरे कृष्णा, थैंक हरे कृष्णा। यू प्रभु जी। आप हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर देते हो, स्पेशली मुझसे पूछ लेते हो, थैंक यू। नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मेरा आप ऑटोमेटिकली। पूछते हैं अक्सर, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो पूछ लेते हैं, कोई होगा प्रश्न तो। हाँ प्रभु जी, एक ऐसे था जैसे आप इस्कॉन में अपना बहुत ही ट्रेडिशनली सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, परंपरा के साथ में। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि आप भी बहुत गुरु को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमारे परंपरा जो है उसी के हिसाब से हम देते हैं।
क्या कहेंगे? उन लोगों को जो लोग उनसे जुड़ गए हैं, उनके गुरु की आलोचना न करते हुए उनका जो सिद्धांत है, उनका जो वो है, अगर वो गलत है तो उसका वक्तव्य करना ठीक है, क्योंकि पर जो नया भक्त है, कहीं डिबेट हो रही है तो अलग बात है, कोई भक्त लोग हैं अपने तो उनको समझाने के लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं और वो ये कहता है कि मेरे तो गुरु जी हैं, मैं रात दिन सुबह शाम उनके चरणों में ही बैठा रहता हूँ, ऐसे कोई कह सकता है ना? तो अगर कोई ऐसा कहता है तब उसको आप उस समय तोड़िए मत, ये कि ठीक है आप हरि नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, इस तरह से स्टार्टिंग में मत तोड़िए, कुछ समय के बाद वो एकदम अच्छे हो जाएंगे, फिर से पकड़ लेंगे चीज़ों को, है ना राधिका माता जी? और अगर वो दूसरे किसी गुरु के वहां पर आप कोई डिबेट में हैं या अपने भक्त हैं इस्कॉन के डिवोटीज और उनको समझाना है, तब आप पूरे अच्छे से बता सकते हैं कि इस तरह से ये संप्रदाय है, इस तरह से ये चला, इसके सारे डिटेल्स बता सकते हैं। थैंक थैंक यू प्रभुजी। एंड प्रभुजी वन यू। मोर थिंग, हाँ इवनिंग में मेरे भक्ति शास्त्र क्लास चल रही है 7:30 to 9:30, तो इसलिए 2 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगी अभी आपकी इवनिंग की, परसों से लूंगी, क्योंकि तो फिर ठीक 4 दिन है नहीं होती, 4 दिन होती है, 3 दिन नहीं होती, तो फिर लूंगी। ठीक है, थैंक यू माता जी। सुनीता माता जी, सुनीता पाठक माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा कल आपने जो रामचरितमानस का क्लास लिया था रात में, तो उसमें हाँ आपने बताया कि सती माता ने सीता जी का वेश धारण करके राम जी के सामने सामने चले थे और उनकी हाँ परीक्षा ली थी, जिससे कि शिव जी ने उनको त्याग दिया। तो हाँ ऐसी क्या परीक्षा ली थी प्रभु जी राम जी की जो शिव जी ने त्याग दिया था, वो समझ हाँ में नहीं आया। नहीं, ये सच बात है, वो हाँ इसलिए क्योंकि शिव जी अपना फेथफुलनेस दिखा रहे हैं, ये राम जी जब भी मतलब सीता मैया की बात है तो फिर राम जी से वो धोखा नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है उन्होंने ऐसा किया अच्छा, थैंक था। यू प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा अनीता माता जी, प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। यस माता जी, आपने कहा तुलसीदास जी के बारे में, आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, तो हाँ उसके वो राणा मुझे पाटिल प्रभु अभी हैं, राणा पाटिल प्रभु उसको डाल देंगे, वो रिकॉर्डेड है तो उसको ओके डाल ओके देंगे, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे ओके पता चलता है कि क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी मायावादी हैं, या इस्कॉन में प्रभुपाद ने कुछ चीजों के लिए बोल दिया क्योंकि उस समय ऐसी आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तुलसीदास जी मायावादी हैं या सगुणवादी नहीं हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कल हमने 130 पेज पढ़े थे और कोई भी मायावाद का कहीं भी कोई कोई चीज नहीं आया, और प्रतिदिन हम देखिए 200 पेज पढ़ेंगे, 200 250 पेज प्रतिदिन पढ़ेंगे, आप देखना सीधा बुक से ही पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए वो एक्चुअली वो वाला क्लास मिस हो गया ना, तो इसलिए मुझे लग रहा ठीक है, तो आज से थोड़ा और अच्छे से हम करेंगे, है। ओके और पहले मैंने सोचा था कि केवल अपने जो जानता हूं मैं उसकी कहानी कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि तुलसीदास जी के जो शब्द हैं वो भक्तों को ज्यादा शुद्ध करेंगे, तो इसलिए मैंने फिर ये स्टार्ट किया। ओके अरे ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। कृष्ण।